आज की इस वीडियो में हम जापान से जुड़ी 6 ऐसी अजीब चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। जापान एक अनोखा देश है, इसकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी एक खास संस्कृति है। इन्हीं खास परंपराओं और संस्कृति की वजह से जापान हमेशा दुनिया भर के लोगों के बीच खासा लोकप्रिय रहा है। लोगों को जापानी लोगों के तौर तरीके, संस्कृति, रहन सहन और तकनीकी को जानने और समझने की काफी उत्सुकता रहती है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की एक खास आइसक्रीम के बारे में। ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, पर आप सही सुन रहे हैं। वैसे तो ऑक्टोपस सी फूड में आता है और खासा लोकप्रिय सी फूड भी है, लेकिन ऑक्टोपस की बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन जापान में ये काफी लोकप्रिय है। चलिए अब जापान से जुड़ी एक और अजीब चीज के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जापान के कडल कैफे। जापान के लोग काफी मेहनती होते हैं, वो रात दिन काम करते हैं, ऐसे में आराम करना भी जरूरी है। इसी चीज की पूर्ति करने के लिए आपको जापान में जगह जगह कडल कैफे मिल जाएंगे। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है। इन कैफे में जापान के लोग अपने पार्टनर, दोस्तों के साथ मिलकर कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर करते हैं, और ये कडल थेरेपी कुछ ही मिनटों में थकावट से आराम देने वाली थेरेपी है। आइए अब बात करते हैं जापान की वेंडिंग मशीन के बारे में। जापान के लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हैं। इन वेंडिंग मशीनों से आप अपने दैनिक यूज की अधिकतर चीजें जब चाहे तब ले सकते हैं, फिर चाहे वो स्नैक्स हो या अंडरगारमेंट्स। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। एक वेंडिंग मशीन कम से कम 23 लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। जापान में दुकानों को खरीदने की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और आबादी भी घनत्व के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वहां कम बजट में वेंडिंग मशीन लगाकर कंपनियों द्वारा लोगों की सभी जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराया जाता है। क्या आपको पता है जापान में टेढ़े मेढ़े दांत होना एक फैशन स्टेटमेंट माना जाता है। जापान की युवतियों में आजकल एक खास प्रकार का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांत बीच से टूटे हुए, ऊबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। जापान में इस प्रकार के दांतों को येवा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डबल टूथ कहा जाता है। जापानी लोगों के बीच ये अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट काफी लोकप्रिय बनता जा रहा है। जापानी लड़कियां काफी पैसा खर्च करके कृत्रिम तरीके से अपने दांतों को ऐसा बनवाती हैं, ये काफी कॉस्टली होता है। क्या आपको पता है कि जापान में बच्चे खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं? जापान में एक विशेष प्रकार की परंपरा है जिसका नाम है ओसोजी। इस परंपरा के अनुसार पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपने स्कूल की कक्षाओं की साफ सफाई करते हैं और अपने बाकी के क्लासमेट्स को लंच भी सर्व करते हैं, और यही नहीं स्कूल के शौचालयों की साफ सफाई का भी काम करते हैं। जापान में अपनी कक्षा और स्कूल की साफ सफाई करना उनकी स्कूली शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है, और साल के कुछ दिन स्कूल के टीचर बच्चों को स्कूल के आसपास की जगहों की भी साफ सफाई करने के लिए स्कूल के बच्चों को लेकर जाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से छात्रों के अंदर दूसरों की मदद करने और अपने परिवेश का सम्मान करने की भावना जागृत होती है। क्या आपको पता है कि जापान में काम के दौरान सोने पर बॉस से डांट नहीं पड़ती, बल्कि ये कमिटमेंट की निशानी के तौर पर देखा जाता है। आप सुनकर काफी हैरान हुए होंगे, पर जापान में ऐसा ही होता है। दुनिया के अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़नी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, परंतु जापान में ऐसा नहीं है, बल्कि जापान में काम के दौरान सोना पूरी तरह स्वीकार्य है, क्योंकि जापान में काम के दौरान सोना आलस ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत की निशानी है। जापान में काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच में किसी भी समय 30 मिनट तक सोने की अनुमति देते हैं। जापान के इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। न जाने ऐसी और कितनी ही अजीबोगरीब प्रथाएं जापान से जुड़ी हुई हैं, जो इस देश को दुनिया के बाकी देशों से अलग और लोकप्रिय बनाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।